नमस्कार, माफ कीजिएगा कि आपको थंबनेल में कुछ और देखने को मिला और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ और बताऊंगा। ऐसा करना मेरे लिए मजबूरी थी और आपके हित में ये थी। आपने थंबनेल में देखा कि स्कूटनी का रिजल्ट आ गया, ऐसा मैंने लिखा ताकि आप क्लिक करके इस वीडियो को देखें। अब इसके अंदर मैं इसकी सच्चाई बताना चाह रहा था आप सभी से, नहीं तो आप सभी की जेब खाली हो सकती है, आप सभी के पेरेंट्स के बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं। पूरी बात क्या है, वीडियो के अंदर बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके रिजल्ट से जुड़ी हुई, आपके बैंक बैलेंस से जुड़ी हुई, आपके भविष्य से जुड़ी हुई बातें मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को अंतिम तक जो भी बच्चा देखेगा, देखने के बाद कमेंट में जरूर मेरे लिए अच्छे शब्द लिखेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, हो क्या रहा है आज से लेके पिछले 4-5 दिनों से लेके आज तक, या आज से लेके आने वाले रिजल्ट, जिस दिन स्कूटनी का ओरिजिनल रिजल्ट आएगा उस दिन तक आप सभी के फोन पर या तो फोन आ चुका होगा या तो आजकल में आने वाला है। कौन सा फोन? एक ऐसा फोन आ रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि स्कूटनी का छात्र जिसने फॉर्म भरा है सिर्फ उसी के फोन पर फोन आ रहा है। कहा जा रहा है कि आप इस विषय में इतने नंबर से फेल हो और मैं बैठा हूँ रिजल्ट बनाने, अगर आपको पास होना है तो आप मेरे इस बैंक अकाउंट में या मेरे इस मोबाइल नंबर पर 5,000 या 7,000 या 8,000, इन तीनों में से कोई वो एक अमाउंट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इतना पैसा अगर 1 घंटे के अंदर मैनेज करके भेज देते हो तो मैं आपके रिजल्ट में पास कर दूंगा, अन्यथा आप हमेशा के लिए फेल हो जाओगे। और ऐसी ऐसी बातें, कभी कभी धमकी भरी बातें, कभी कभी बार्गेनिंग वाले भी बातें हो जा रही हैं बच्चों से कि चलो 6,000 नहीं है तो तुम 5,500 दे दो, 5,500 नहीं है तो 4 दे दो, इससे कम मत देना। तो इस तरह की बातें करने वाले लोग आपको फोन करेंगे, आपसे पैसे मांगेंगे, आपसे आपके भविष्य की चिंता, आपसे चिंतित करवाएंगे, कहेंगे कि आप पास हो जाओगे नहीं तो फेल हो जाओगे, सोच लो आगे पीछे, बहुत तरह तरह की बातें, डरावनी बातें आपके साथ करेंगे। तो जिन बच्चों के पास अभी फोन नहीं आया, ऐसे फोन नहीं आए, ऐसे लुटेरों का, ठगों का, हैकरों का फोन नहीं आया, तो ये बच्चे अभी तक सेफ हैं। हो सकता है 1-2 दिन में उनके पास फोन आ जाए, वे उसकी जाल में फंस जाए, उसकी जालसाजी में फंस जाए, जालसाजी का शिकार बन जाए। तो बच्चों, आपको करना क्या है? देखो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि इस तरह से वहां से फोन आए, आपसे पैसे मांगे जाएं। बोर्ड ने इस तरह का काम करने वालों के ऊपर कार्रवाई करने का प्रयास भी किया है पिछली परीक्षाओं में, इस बार भी बहुत जल्द, जब तक बोर्ड को ये बात पता चलेगी तब तक कई सारे बच्चे लुट चुके होंगे। इस नाते मैंने ये वीडियोस बनाया और आगे भी 2-3 दिन तक लगातार बनाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता चल सके और वे ठगी का शिकार होने से बच सके। अगर आप ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के बाद 10-20-50 लोगों को शेयर करना, और ताकि आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र ठगी का शिकार होने से बच सकें। फाइनल बात, आपको अगर ये चेक करना है कि जो बंदा फोन किया है आपको, वो बताया अपने आप को कि मैं बोर्ड से बोल रहा हूँ, मैं बोर्ड का आदमी हूँ, मैं तुम्हारा रिजल्ट बनाने बैठा हूँ, मेरे पास तुम्हारा हर एक डेटा है, तो मान लीजिए कि डेटा चोरी करने वाले के पास आपका हर एक डेटा चला जाता है, लेकिन उस डेटा के साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, ना वो उसको बदल सकता है, ना ज़्यादा कर सकता है, ना कम कर सकता है, वो डेटा डाउनलोड करके अपने पास रख सकता है, आपके पास फोन करके आपसे वो ठगी कर सकता है, आपसे पैसे मांग सकता है। अगर आपको चेक करना है कि वो व्यक्ति जिसने आपको फोन किया, पास होने के लिए आपसे 8,000, 6,000, 5,000 पैसे मांगा, अगर आपको जानना कि वो सच में बोर्ड से बोल रहा, सच में आपकी कॉपी जांचने बैठा है कि नहीं बैठा है, तो आप एक काम करना, आप उससे बोलना कि आप मेरे कॉपी का, जो आप मेरी कॉपी जांचने बैठे हो उसका मुझे 3-4 पेज का फोटो भेज दो, जिसमें मैंने सवाल लिखा है, मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है, मैंने तीन चार फोटो भेजो, ताकि मैं उस कॉपी का फोटो देखूंगा जब व्हाट्सएप पे, तो मैं जान जाऊंगा कि वो मेरी हैंड राइटिंग है। पहली बात, चाहो तो रोल नंबर वाला पेज भी मंगवा लेना व्हाट्सएप पे। तो जब आप ये बात बोलोगे ना, तब तुरंत वो अपनी बात पलट देगा, तुरंत वो घुमा देगा, दूसरे तरीके से बात करेगा, तीसरे तरीके से बात करेगा, कहेगा ये अलाउ नहीं है यहाँ से कॉपी भेजना,
का भी भेजना व्हाट्सएप पे अलाउ नहीं है, तब आप समझ जाना कि वो वास्तव में ठगी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, उसने डेटा चोरी किया है, वो एक तरह से आपको अपने जालसाजी में फंसा के सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है। जानते हो, क्योंकि ऐसा नियम नहीं है कि यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आपके कॉपी को अपलोड किया जाए, तो डेटा चोरी करने वाला जब डेटा चुराएगा तो आपकी कॉपी भी चुरा लेगा इंटरनेट से, वेबसाइट से। तो कॉपी जब अपलोड ही नहीं किया गया वेबसाइट पर तो कॉपी पाएगा नहीं, जब कॉपी पाएगा नहीं तो आप फोटो मांगोगे कॉपी का तो कहाँ से देगा। सच तो ये है सच जानने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों, मेरे डियर सब्सक्राइबर, आप मेरे साथ आज जुड़े हो चाहे इसके पहले बहुत दिन से जुड़े हो, आपके सुरक्षा में, आपके हित में, आपके बैंक बैलेंस को सुरक्षित रखने के लिए, आपका 2,000, 5,000, 10,000 सेव करने के लिए मैंने ये वीडियोज़ बनाई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट प्यारा सा करिए, 10, 20, 50 लोगों के बीच में शेयर करिए, ताकि आपको बचने का मौका मिले, आपको ठगी का शिकार होने से बचने का मौका मिले, और आपके मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी को भी इस तरह के जालसाजी में फंसने से बचने का मौका मिले। तो कुल मिला जुला करके इस वीडियो पर जो थंबनेल था वो कुछ और था, ताकि आप इस वीडियो को देखें, जाने अनजाने में आपको मैं सही चीज़ें बता सकूं और आपको ठगी होने से बचा सकूं, आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपका कोई नुकसान ना हो, इससे आपको बचा सकूं। हाँ, कॉपी जांची जा रही हैं, मूल्यांकन का काम चल रहा है, रिजल्ट इस महीने के आखिरी तारीख तक शायद आ जाएगा स्कूटनी का। अगर नहीं भी आता है तो मान के चलना कि इलेक्शन के बाद आ जाएगा। तो आप कभी भी इस तरह की लालच में मत आना कि पैसे दे कर नंबर खूब बढ़वा लें। आपको अगर जानना वो व्यक्ति रियल में है कि फेक है, तो आप अपनी कॉपी का फोटो मांगना कि भाई जो भी मैंने लिखा है गलत सलत काट पीट करके, वो उसका फोटो भेज दो, मैं जान जाऊंगा मेरी कॉपी तुम्हारे हाथ में है, मेरा भविष्य तुम्हारे हाथ में है, तुम जितना मांगोगे मैं उतना दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।